हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, राइट। उसमें से सेक्शन वन क्या है, देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, अ मेटल फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एट द सेंटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी। तो कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर फॉर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देखो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है, ए डिस्टेंस कितना है, डी है, इसके अंदर हम लोगों ने एक डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, इसका थिकनेस कितना है, टी है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी विद डायलैक्ट्रिक कितना आता है, C is equal to A epsilon naught divided by D minus T plus T by K आता है। अभी उसने क्या कहा है, A metal foil of negligible thickness, मतलब T का वैल्यू कितना दिया है, T tends to क्या है, जीरो है, राइट। एंड बोला गया कि A metal foil है, यहाँ पर क्या है, metal foil है, metal foil मतलब उसके लिए K का वैल्यू क्या होता है, infinite होता है। तो अगर ये डेटा यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये होगा टी कितना, जीरो, ये कितना, इन्फिनिटी, तो इसको आप लोग जीरो मान सकते हो, तो ये जीरो है, तो ये क्या बचेगा, डी बचेगा। तो कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटल फॉइल एज अ डायलैक्ट्रिक क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब ये मेटल फॉइल हो या ना हो डजंट मैटर, कैपेसिटी तो सेम ही है ना, बिना मेटल फॉइल के भी कैपेसिटी क्या आने वाला है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो आंसर इज सेम। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो आपको क्या दिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया जिसका रेडियस कितना है, 1 मीटर, राइट। आपसे पूछा गया इसका कैपेसिटी कितना, तो देखो हमें पता है कि इसके लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, वो होता है के क्यू बाय आर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, राइट। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, क्यू बाय वी के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये क्या आएगा, 4πε0 इनटू आर, तो ये क्यू बाय वी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये आएगा 4πε0 इनटू आर, तो ये आ जाएगा 4πε0 कितना है, 8.85 into 10 to the power minus 12, R कितना दिया, 1, तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब तुम लोग सॉल्व करोगे 4 into 3.14 into 8.85, तुम लोग लॉग बुक के साथ सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 111.15 into 10 to the power minus 12 farad। ऐसा कोई है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.1 into 10 to the power minus 10 farad, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री में, अ डाइपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड फील्ड इज, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ डायपोल, वो है माइनस पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। आपसे क्या बोला गया है कि मिनिमम कब आएगा, तो देखो जब मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट करता हूँ तो यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 इज 1, तो ये क्या है इसका, अच्छा और एक वैल्यू पुट करते, थीटा का वैल्यू मान लो 90 पुट करता हूं, तो थीटा इज 90, मतलब u कितना आ जाएगा, cos 90 विल बी 0, और थीटा का वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री पुट करता हूं तो उस केस में u का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 180 इज -1, तो आ जाएगा प्लस PE। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम आपको कहां पे मिलेगा, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री इज अ राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर है क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर फोर पे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच में, वो फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई
आर आर होता है राइट। अभी बोला गया कि ये दो इलेक्ट्रॉन पास में आ रहे, तो के इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज माइनस ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अभी ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट अ चार्ज क्यू एट द सेंटर इज। अभी देखो यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका जीरो है राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते, अभी ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन अ कैपेसिटर लेबल्ड एज 8 माइक्रो फैरड 250 वोल्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कैपेसिटर नीडेड टू गेट एन 16 माइक्रो फैरड 1000 वोल्ट राइट। तो 8 माइक्रो फैरड 250 को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 16 माइक्रो फैरड 1000 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर 250 वोल्ट को अगर मुझे 1000 में कन्वर्ट करना है तो मुझे बैटरी सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 250 को 1000 में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो एक कैपेसिटर लगा दिया और एक लगा दिया और एक लगा दिया और एक लगा दिया, तो ये दो पॉइंट के बीच में देखो यहाँ पर क्या है, 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, ये 250 वोल्ट है, ये 250 वोल्ट, सबका एडिशन मतलब आपको यहाँ पे कितना मिला, 1000 वोल्ट मिला। बट ये चार कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से कितना क्या हुआ यहाँ पर दिक्कत, कि इसका जो नेट कैपेसिटर आ रहा है देखो अभी वो क्या होगा, सीरीज में है तो डिक्रीज होगा, वो क्या आएगा 8/4 मतलब 2 माइक्रो फैरड आएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि 250 का 1000 मिल रहा है, बट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं है। तो 8 माइक्रो फैरड को मुझे क्या करना है, 16 तो इंक्रीज करना है। तो कैपेसिटर के केस में आपको कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप लोग तो कैपेसिटी बढ़ता है। तो अभी देखो ये 1000 करने के चक्कर में इसका कैपेसिटी घटा है, तो ऐसे कितने रजिस्टर कितने कैपेसिटर कनेक्ट करे सो दैट उसका कैपेसिटी कितना आ जाए, 16 माइक्रो फैरड, एंड उसका पोटेंशियल सेम रहे। तो देखो यहाँ पर ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ भी हो जाए, देखो यहाँ पे तो ऐसे चार कैपेसिटर ही रहेंगे क्योंकि हमें 1000 को चेंज करना नहीं है। तो ऐसे कितने बीच में सीरीज आ जाए, ये कितना देगा आपको 2 माइक्रो फैरड राइट, मुझे कितना चाहिए 32। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाता है एडिशन, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 16। मतलब ऐसे कितने लाइन आएंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट लाइन है, ये लाइन क्या होगा 16 लाइन होगा, और हर एक लाइन में कितना है देखो यहाँ पर, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे एक मिनट एक मिनट ये क्या है थोड़ा सा गलत किया शायद, हाँ यहाँ पे कितना है 2 माइक्रो फैरड, मुझे कितना चाहिए 16 चाहिए राइट। तो 16 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना 8 आएगा, तो ये फर्स्ट लाइन है तो ये कौन सा होगा 8 लाइन, और हर लाइन में कितने कैपेसिटर है, चार कैपेसिटर, तो टोटल कैपेसिटर कितने होंगे 8 × 4 = 32। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर विल बी कितना 32 राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल इन बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस सी, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स ओके। तो हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय टी डी। अभी अगर बीच में ऑयल है तो ऑयल के लिए कैपेसिटी क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट के कितना है 2 डिवाइडेड बाय डी, एंड ऑयल निकाल दिया मतलब वहां पर कौन है एयर है, तो क्या आएगा एयर के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय डी। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करता हूं तो कैपेसिटी ऑफ ऑयल कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ एयर राइट। मुझे क्या चाहिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल हैज अ कैपेसिटेंस सी, मतलब ये क्या है सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एयर राइट। तो ये हो जाएगा
सी एयर इज इक्वल टू सी बाय टू, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क फॉर वन मार्क। क्या दिया क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो क्या देखो उसका डेफिनेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकम्स पोलराइज, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को तुम लोग क्या करो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करना। जैसे ये डायलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, इसको कहाँ पे प्लेस करोगे तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर टू, क्या दिया क्वेश्चन नंबर टू, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट जे ऑब्लिक सी। जे ऑब्लिक सी का मीनिंग क्या होता है, जूल पर कूलम। तो देखो हमारे पास एक क्वांटिटी है, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अभी वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, एंड चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम, राइट, मतलब क्या है, पोटेंशियल है। एंड ये पोटेंशियल मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर है पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया देखो, व्हाट इज लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक। अभी देखो नाम में ही दिया है सब कुछ, आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक इज अ डायलेक्ट्रिक इन विच द परमिटिविटी इज अ स्केलर एंड हैज इक्वल वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। उसका जो ऐसा डायलेक्ट्रिक जिसका परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी का वैल्यू सेम रहेगा हर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया देखो, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इफ द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट, राइट, व्हाइल द बैटरी रिमेन कनेक्टेड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखो, वी नो दैट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, वे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। Now, as value of D increases, capacity of a capacitance decreases, right? बाद में देखो यहां से ये पता चला कि D का value बढ़ रहा है तो C का value क्या हो रहा है, घट रहा है। But उसने पूछा क्या है, What happens to the energy stored in a capacitor? तो energy stored in the capacitor कितना होता है, तो होता है U is equal to 1 by 2 CV square. तो देखो हम, इसने बोला है कि battery remain connected, मतलब V का value क्या है, constant है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम और कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सिंस सी डिक्रीजेस, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आल्सो डिक्रीजेस, सी का वैल्यू घटेगा तो यू भी क्या होगा, घटेगा, राइट। चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया देखो क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो डी कितना दिया आपको, 4×10⁻¹ मीटर। Find the electric field in units of volt per meter. पूछा क्या? Electric field find करो, which can give an average 2 electron volt energy to an electron in the meter. तो अभी देखो यहाँ पर आपसे बोला क्या गया, Find the electric field. तो energy कितना है? Energy आपको दिया गया 2 electron volt, किसको? Electron को. तो we know that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी वर्क मतलब क्या, एनर्जी, वो कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज ई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 वोल्ट। अभी हमारे पास देखो वी है, डी है, ई निकालना है, तो ई का फॉर्मूला क्या आता है, वी डिवाइडेड बाय डी। वी कितना है, 2
टू डी कितना है, 4 × 10⁻¹। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 × 10⁸, राइट। तो और इसी को आप लोग लिख सकते हो 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया, देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 9 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जेड कितना दिया है, 50। रेडियस कितना दिया है, 9 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। मतलब कितना आएगा, 9 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। चलो फिर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है के जेड ई डिवाइडेड बाय आर। के कितना होता है, 9 × 10⁹। जेड क्या है, 50। ई कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय आर कितना दिया, 9 × 10⁻¹। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, राइट। तो 9 कैंसिल हो गया, तो 50 × 1.6, इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 8 × 10⁶ वोल्ट। कितना मिलेगा, 8 × 10⁶ वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया देखो क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज 10 μF when the distance between plate is 9 cm. What will be its capacity if the distance is reduced by 6 cm, बोला है। तो देखो capacity C1 है कितना, 10 μF, जब उसका distance कितना है, 9 cm है। उसका capacity कितना आएगा when the distance is reduced by 6, मतलब पहले 9 था, उसको reduce किया 6 से, तो कितना आएगा, 3 cm। And we know that C is equal to A epsilon naught K divided by D होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि C is inversely proportional to D है। तो C2 by C1 is equal to क्या आएगा, D1 by D2 आएगा। D1 कितना दिया है, 9, D2 कितना दिया है, 3, C1 कितना है, 10 micro। तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, तो C2 आ जाएगा 30 μF। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 2 marks। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया देखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस, which is used to store electric field in an electrical circuit। Capacitor देखो electric field store करता है, energy store करता है, charge store नहीं करता। तो capacitor is a device which is used to store electric field in an electrical circuit। बाद में capacitors work on the principle that the capacitance of a conductor increases when an earth conductor is brought near it, right? And third point is, and the capacitor has two plates separated by distance having equal and opposite charges। तो देखो parallel plate capacitor का structure देखा जाए तो कैसे होता है, दो प्लेट है हमारे पास, दोनों का एरिया A है, both separated by distance D, एक के ऊपर positive charge है तो एक के ऊपर negative charge है, negative plate is grounded, तो this is a capacitor। Next है, obtain an expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged infinite plane sheet, right? चलो अभी ये वाला जो derivation है यहाँ से देख लेना, same derivation आपको solution के अंदर भी लिखना है। ये question 2 mark के लिए यहाँ पे दिया है, but 3 mark को पूछे जाने के बहुत सारे chances है, right? Okay. ये पोलर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक क्या होता है, ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, यहाँ से भी तुम लोग चाहिए तो लिख सकते हो पोलर डायलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक क्या होता है। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। टू कैपेसिटर्स
each of capacity 2 microfarad are connected in parallel. This system is connected in series with a third capacitor of 12 microfarad capacity. Find the equivalent capacity of the system. चलो क्या दिया है, there are two capacitor of capacity, कितना capacity है इसका, चलो देख लेते हैं, इसका capacity है ये 2 microfarad है, ये 2 microfarad है, इसका इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया सीरीज में किसके साथ, 12 microfarad के साथ, राइट। अब ये वाला क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी। अभी हमें पता ये दोनों क्या है, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 प्लस C2। चलो इसको C1 नाम देता हूँ, इसको C2 नाम देता हूँ, और इसको C3 नाम दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 मतलब 4 माइक्रो फैरड आ जाएगा, राइट। अभी ये आ गया आपका यहाँ पर 4 माइक्रो फैरड सी, इसके साथ साथ यहाँ पे कौन है, C3 पहले से बैठा हुआ है, कितना वैल्यू है उसका, 12 माइक्रो फैरड। तो ये दोनों के बीच में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है इसका, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C3, तो ये कितना है 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो कितना आएगा, एलसीएम 12, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, तो 4/12 मतलब 1/3, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरड, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर एट द सेम पोटेंशियल, मतलब ए स्फीयर का पोटेंशियल एंड बी स्फीयर का पोटेंशियल सेम दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी। आपसे पूछा गया है कि सिग्मा ए एंड सिग्मा बी ये दोनों का रेशियो निकालो। ओके, तो ये जो आपको पोटेंशियल सेम दिया उससे क्या पता चलेगा, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K³r, तो K QA/A इज इक्वल टू K QB/B, तो K कैंसिल आउट एंड QA/QB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/B आएगा। अभी ये हमें रिलेशन मिला, ए रिलेशन का आगे कुछ यूज होता है क्या देखेंगे हम लोग। देखो ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन 4πr², चार्ज अपॉन ये दिया होता है ना, तो अगर इसको देखेंगे हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, चलो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिग्मा ए क्या है, चार्ज ऑन ए डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस ऑफ ए कितना, a² इनटू ये क्या आएगा, चार्ज ऑन बी डिवाइडेड बाय 4π रेडियस ऑफ बी, 4π कैंसल्स आउट, ये क्या आएगा, QA/QB इनटू b/a² आ जाएगा। QA/QB कितना है, a/b है, इनटू b/a², तो ये स्क्वायर ये कैंसल आउट, ये बचेगा कितना, b/a, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ मॉलिक्यूल विद अ डायपोल मोमेंट p इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ e, राइट। इनिशियली द डायपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, इफ द डायपोल इज टू बी रोटेटेड टू बी एंटी पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो देखो क्या दिया आपको यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन है, इनिशियली द डायपोल इज अलाइंड पैरेलल, तो ये आपका डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कैसे, एंटी पैरेलल, राइट। तो एंटी पैरेलल मतलब ये ऐसे जा रहा है, फाइनली ये कैसा बना, ऐसे। तो पूछा गया कितना वर्क करना पड़ा, तो देखो इनिशियल एंगल कितना था, 0 डिग्री है, फाइनल एंगल कितना हो गया है, फाइनल एंगल हो गया 180 डिग्री, एंड वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है,
होता है पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये पी इंटू ई थीटा टू कितना दिया 180, तो कॉस 180 माइनस कॉस ऑफ जीरो। कॉस 180 कितना होता है, तो होता है माइनस वन, कॉस जीरो वन, तो वर्क का वैल्यू क्या आएगा माइनस टू पी ई, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टू, दैट इज 3 मार्क। क्वेश्चन क्या दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ओके चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखो कि 3 कैपेसिटर है हमारे पास, 1, 2 और यहाँ पे 3, राइट। तो ये आपसे बोला गया है ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो कितना आएगा। तो इसका कैपेसिटी मान लो C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका कैपेसिटी C3। सपोज दीज 3 आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, राइट। अभी ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ में से यहाँ से जो चार्ज आएगा वो चार्ज का वैल्यू कितना रहेगा क्यू, एंड हमें पता है सीरीज में चार्ज हमेशा क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू, यहाँ पे क्या आएगा क्यू, यहाँ पर क्या आएगा क्यू। And if I replace this circuit by a single capacitor having capacity C equivalent, तो डायग्राम कैसा आएगा देखो, वो डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा। And इसमें से अभी क्या होगा, चार्ज कितना जाएगा Q चला जाएगा, राइट। तो कैपेसिटर चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, C equivalent is equal to Q divided by V, राइट। अभी ये जो चार्ज है लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, पोटेंशियल अक्रॉस C1, C2, C3 अगर मुझे निकालना है, तो मान लो पोटेंशियल अक्रॉस C1 है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V is equal to V1 plus V2 plus V3 लिख सकते हैं। अच्छा ये जो V है ना, V का वैल्यू क्या होता है, Q डिवाइड बाय C होता है। तो जो पहला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस चार्ज Q, कैपेसिटी C1, सेकंड चार्ज के अक्रॉस चार्ज क्यू एंड उसका कैपेसिटी C2, थर्ड के अक्रॉस क्यू बाय C3, एंड जो इक्विवेलेंट है देखो उसके लिए क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाय C इक्विवेलेंट, तो Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ पर Q Q Q Q कैंसल आउट, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 आएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडेंसर, एक्सप्लेन एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये वाला आपको डेरिवेशन लिखना है यहाँ पर अच्छे से डायग्राम के साथ, एंड फाइनली आपको ये डिफरेंट फॉर्म, एक्चुअल में एनर्जी यहीं पर मिल गई आपको हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, बाद में क्यू इज इक्वल टू सी वी और सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये वैल्यू पुट करके ये 3 फॉर्म मिलेंगे 1, 2, 3। तो अच्छे से इसका नोट्स बनाओ, बहुत काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला डेरिवेशन लिखना है अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया देखो, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेम सेपरेशन बिटवीन दे। मतलब आपको 2 कैपेसिटर दिए, कौन सा एक्स एंड दिया वाई, दोनों का देखो एरिया अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों का एरिया सेम दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम दिया है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट एंड एक्स के अंदर कौन है, एयर है, एंड वाई के अंदर डायलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट 1 है। तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2 माइक्रोफेरड। ओके अभी देखो, सबसे पहले हम लोग जो एक्स है मतलब उसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, y का कैपेसिटेंस C2 मान लो, पहले C1 C2 निकालेंगे। C1 कितना आएगा देखो, C का फॉर्मूला क्या होता है, A epsilon naught K divided by D,
के कितना है 1 डिवाइड बाई डी, एंड आपका जो सी टू है वो कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई डी, राइट। अगर मैं इसको सपोज सी मान लेता हूँ सपोज, तो ये सी टू कितना आ जाएगा 2 सी आ जाएगा, वेयर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा, कनेक्ट कैसे किया हम लोगों ने, कनेक्टेड इन सीरीज बोला है, राइट। ओके, तो जो आपको सी इक्विवेलेंट, अच्छा सीरीज में कनेक्ट किया तो देखो क्या आता है, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी1 प्लस 1 बाय सी2 आता है। सी इक्विवेलेंट कितना दिया उसने 2 माइक्रोफेरेड, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय सी1 कितना सी, सी टू कितना 2 सी, तो ये 1 बाय 2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 2 सी, ये आएगा 2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल आउट, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड, सी का वैल्यू कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। अच्छा C1 C2 का वैल्यू कितना, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं C1 का वैल्यू तो C है, तो C1 इज इक्वल टू C है मतलब क्या आएगा 3 माइक्रोफेरेड, C2 का वैल्यू क्या है 2C है मतलब ये क्या आएगा 6 माइक्रोफेरेड आएगा। तो ये मिला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो जो V है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन C, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Q को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो ये डायग्राम दिए आपको ऐसे, ये जो उसने बोला है ना कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है 15 वोल्ट है, राइट, एंड ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, एंड इसका इक्विवेलेंट कितना आता है 2 माइक्रोफेरेड। तो इसमें से जो चार्ज जाएगा Q, वो Q कितना आएगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रो, V कितना है 15, तो ये आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम, राइट। अभी मुझे निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 2। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1 कितना आएगा, देखो V1 इज इक्वल टू Q1 Q बाय C1, Q कितना है 30 माइक्रो, C कितना है 2 माइक्रो, तो आएगा 15, एंड V2 देखा जाए तो कितना आएगा 30 माइक्रो डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू कितना है, नहीं, एक मिनट, गलत किया है यहाँ पर, ये 2 माइक्रो कहाँ, C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू है 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो मतलब ये कितना आएगा 10, ये 30 माइक्रो डिवाइडेड बाय 6 माइक्रो मतलब ये कितना आएगा 5 आएगा। तो ये V1 है 10 वोल्ट, V2 है 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q इंटू V। अभी दोनों कैपेसिटर के अंदर Q का तो वैल्यू सेम है, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो एनर्जी इन 1 डिवाइड बाय एनर्जी इन 2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 कितना है 10, V2 कितना है 5, तो आंसर आएगा 2, राइट। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, इजी है, पूछेगा तो कम से कम 3 से 4 मार्क के लिए पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आपको क्या दिया है, पी का वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻¹⁸ कूलम। बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया कितना है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, चलो वो देख लेते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, -PE cos θ आता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो थीटा 0 मतलब cos 0 कितना आ जाएगा 1, तो u कितना आएगा -PE।
एंड थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 180 डिग्री पुट करता हूँ तो कॉस 180 आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा पीई। तो जहाँ पे सबसे कम एनर्जी होती है उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा क्या गया, बोलो वर्क कितना आएगा। तो वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस यू टू माइनस यू वन। तो स्टेबल वन है तो ये अनस्टेबल टू है, स्टेबल टू अनस्टेबल जाना, तो माइनस यू टू कितना पीई, एंड ये कितना माइनस पी, माइनस माइनस प्लस पी, पी कितना होगा टू पी, मतलब माइनस टू पीई विच इज इक्वल टू माइनस टू इंटू पी कितना 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, राइट। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो एक बार, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस q प्लस 2q एंड q आर प्लेस एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है यहां पर, राइट ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज q इन टर्म्स ऑफ q सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, ओके। तो देखो यहां पर हम लोगों ने एक चार्ज प्लेस किया है q, यहां पर एक चार्ज है प्लस q, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस 2q, 3 वर्टाइसेस ऑफ, मान लो इसका साइड जो है 1 है, जस्ट फॉर रेफरेंस इक्विलैटरल दिया तो 1 आएगा। तो उसने क्या बोला है, u ऑफ द सिस्टम इज कितना है 0 है। अच्छा u का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो अभी देखो ये दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, k q इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल k q q बाय 1 k q q बाय 1 प्लस ये दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल कितना होगा k q टू क्यू बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो k k k कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 2 q स्क्वायर, राइट प्लस k q q, अच्छा एक मिनट ये 2q छोटा q प्लस 2, एक मिनट ये k कहाँ से आ गए, k तो चला गया ना, ये है k q q q प्लस 2 q q इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 q स्क्वायर प्लस 3 q q इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3 क्यू क्यू, क्यू क्यू कैंसल आउट, क्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 क्यू बाय 3, क्या आ जाएगा माइनस 2 क्यू बाय 3, राइट ओके। नेक्स्ट सेक्शन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। क्या दिया देखो, पहला क्वेश्चन obtain an expression for the potential energy of a dipole in external field। तो आपको क्या करना है, ये जो equation है u is equal to minus pe, इसके लिए derive करना है। देखो तो जो आपको screen पर दिखाई दे रहा है उतना लिखना ही पड़ेगा, right? चलो question number 2 पे आते हैं। क्या दिया है, find the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric sap between the plates। तो इसके पहले और एक डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब है, तो ये फॉर्मूला के लिए आपको डिराइव करना है, राइट right? चलो नेक्स्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। तो देखो यहाँ पर अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, मान लो मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2L, तो आपको बोला जाता है कि एक पॉइंट पी यहाँ पर है, तो उसके कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ थीटा, तो बोलो थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो उस केस में देखो आपको ये वाला डेरिवेशन वहां पर लिखना पड़ेगा, राइट ये वाला प्लस ये वाला, एंड फाइनली इसका आंसर क्या आता है,
kpr cos theta by r cubed or k into p dot r divided by r cube, right? Okay, तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक। इसमें मैंने अच्छे से न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कवर किया है एंड प्लस जो भी आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है, डेरिवेशन है, वो उसका हिंट भी दिया आपको कि कितना लिखना है, कि कहाँ से लिखना है। तो जो जो बड़े डेरिवेशन है उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल का अच्छे से प्रैक्टिस करना विथ लॉग बुक, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।